फिलीपींस। ग्रेनेड हमले में दो लोगों की हुई मौत। संकटग्रस्त दक्षिणी फिलीपींस में एक मस्जिद में बुधवार प्रातः काल ग्रेनेड हमले में दो लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल केरी बेसाना ने जाबुआंगा शहर में हुए हमले के बारे में बताया कि मस्जिद के भीतर एक ग्रेनेड फेंका गया जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई व चार अन्य घायल हो गए। मिडानाओ द्वीप में स्थित मस्जिद में जब हमला हुआ उस वक्त लोग वहां सो रहे थे। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब जोलो में रविवार को एक कैथेड्रल पर हुए हमले में 21 लोगों की मौत होने के बाद से राष्ट्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी। बेसाना ने बोला कि अभी यह नहीं बताया जा सकता कि क्या कैथेड्रल पर हुए हमले का बदला लेने के लिए मस्जिद पर हमला किया गया हो। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। हमले की संभावना के चलते राष्ट्र में कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। जानकारी देते हुए उन्होंने बोला कि हम जल्द से जल्द उन्हें पकड़ लेंगे जिन्होंने इसे अंजाम दिया हो। कर्नल ने लोगों से भी सचेत रहने के लिए बोला है। गवर्नमेंट की तरफ से धार्मिक स्थानों को निशाना बनाए जाने पर कड़ी निंदा जाहिर की गई है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।